वेलकम टू गोल्ड कोस्ट। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। सनसेट में सिटी बहुत प्यारी लग रही है यार। काफी मतलब एक ही एरिया में सारी बिल्डिंग्स हैं। I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. गुड मॉर्निंग। आज अभी गोल्ड कोस्ट में मेरा सेकेंड डे है, फर्स्ट मॉर्निंग। जेट स्की कर रहा है। प्लान तो मेरा भी है ये करने का, लेकिन इसमें बात यह है कि जो आगे वाला होगा वो होता है इंस्ट्रक्टर, आप से पीछे बैठे रहते हो। तो इतना फन नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि आपको खुद करने के लिए मे भी यहाँ पे आपको जेट स्की का लाइसेंस ही होता है ड्राइविंग का। ये ऐसे ये कल रात में दिख नहीं रहा था। तो आज का प्लान ये है कि आज मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो वाटर और एम्यूजमेंट पार्क है वहाँ जाऊँगा। वो अराउंड 20 या 25 मिनट्स दूर है यहाँ से। वो ऑलमोस्ट हाफ डे का होगा, एक्टिविटी होगी, तो वहाँ जाऊँगा पहले। फिर प्लान है कि सर्फर्स पैराडाइज जो है वहाँ पे बीच वगैरह भी जाऊँगा। लोकल मार्केट देखनी है आज गोल्ड कोस्ट की। ब्रेकफास्ट मंगाया हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं वेट एंड वाइल्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया का मुझे जहाँ तक पता है सबसे बड़ा म्यूजियम और वाटर पार्क है। और यार क्विंसलैंड का मैंने जो नोटिस किया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होटल्स हैं। ये वेकेशन स्पॉट है ही। मुझे अब तक ऐसे में जनरल जो ऑफिस होते हैं वगैरह या कुछ नहीं होता, नॉर्मल सिटीज़ में होता है वैसा कुछ नहीं है। ये टूरिस्ट स्पॉट है पूरा पूरा, रिजॉर्ट्स बीच वगैरह सब उसी के है। इसे आओ मज़े करो, बहुत अच्छी है। पहुंच गया वेट एंड वाइल्ड, लॉकर सुनता हूँ मैं, अपना सामान रखूँगा। मोस्टली फ़ोन अलाउ नहीं है, किसी ने कुछ बोला तो नहीं है फ़ोन के रिगार्डिंग। अभी अंदर जाकर पता लगा। लॉकर्स नहीं मिल रहे यार, अभी हम स्टाफ के पास गए, वो कह रहे हैं हमारे पास सारे लॉकर्स फुल हो गए, आप खुद ही ढूंढ लो। तो बस हम लॉकर्स ढूंढ रहे हैं। वेट एंड वाइल्ड हो गया, अराउंड 92 राइड्स हैं यहाँ पे। ये ऐसी जगह है, सुबह आ जाओ उसके बाद पूरे दिन शाम तक यहीं पे रहो। काफ़ी एडवेंचरस राइड्स हैं।
ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पोल्स हैं, कुछ बच्चों के लिए थे और कुछ सिर्फ एडल्ट्स के लिए थे। ये थोड़े स्टॉल्स बने हैं खाने के, बहुत अच्छा था। एक वहाँ जाके बीच साइड है, लेफ्ट हैंड साइड बीच पे वहाँ है, वहाँ पे अच्छा था पूल। ये आज के ये सब फोटो सेंटर, यहाँ पे आपके राइट पे जो भी फोटोज क्लिक हुई होंगी वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। वहाँ पे आप स्विमिंग के इक्विपमेंट्स ले सकते थे। कॉफ़ी वगैरह काफ़ी हैपनिंग जगह है ये। अच्छा, यहाँ पे तीन अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, सब एक साथ है। एक है बैटन वाइल्ड जो अभी जिसमें मैं गया था, एक है मूवी वर्ल्ड जिसमें परेड्स होते हैं, मेनली वॉर्नर ब्रदर्स वाला है जिसमें उनके हिसाब से बैटमैन, शज़ाम, वंडर वुमन कॉस्ट्यूम्स के परेड होते हैं, लोग पहन के घूमते हैं। उसमें भी राइड्स हैं, उसमें भी स्लाइड्स वगैरह हैं। और एक है सी वर्ल्ड जो काइंड ऑफ एक्वेरियम है, बस उसमें भी स्लाइड्स हैं। तो ऑप्शंस कई सारे हो जाते हैं हमको उसकी। मान लो मैं जब चेक कर रहा था टिकट्स वगैरह, तो ये कलेक्टिव टिकट्स भी देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 दिन का लेना चाहते हो तीनों जगह का, तो उस पर डिस्काउंट्स हैं। एक दिन में तीनों जगह डिस्काउंट जाना चाहते हो तब भी डिस्काउंट है उस पर। तो अलग अलग पैकेज ले सकते हो। ये रे अपनी दिखा। हाय गाइस, मॉर्निंग। अभी हो रहा है सुबह के 10 बजे। मैंने अपना प्लान एक्सटेंड कर लिया है। पहले हमारा प्लान था कि 2 दिन रुकेंगे यहाँ गोल्ड कोस्ट में, लेकिन सिटी काफ़ी अच्छी है और बहुत चीज़ें थी देखने को, तो एक और नाइट रुक रहे हैं यहाँ पे। लकली सेम रूम मिल गया 20th फ्लोर पे ही। और आज चेक करना था मुझे ऑब्जर्वेशन डेक है यहाँ पे Q1 बिल्डिंग में 77th फ्लोर पे, लेकिन आज वो बंद है, वो वेंसडे को खुलेगा नेक्स्ट मॉर्निंग, और वेंसडे को हम लोग निकल जाएंगे। तो उसकी जगह अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, पहले उसका टाउन एक्सप्लोर करना है पूरा, सिटी क्या है कहाँ पे। फिर जाऊंगा दोपहर में सर्फर्स पैराडाइज, एक आइलैंड है यहाँ पे स्पिट करके, तो वहाँ जाना है। ये है गोल्ड कोस्ट की लोकल मार्केट, कैफेज वगैरह है यहाँ पे। ये ट्राम स्टेशन, सिटी में कहीं भी जाओ। हार्ड रॉक कैफे भी है उस साइड। फिर जाऊंगा सर्फस पैराडाइज। बहुत तेज भूख लगी है तो यहाँ पर पहले कॉफ़ी लेता हूँ कुछ खाने को, फिर चलते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, अब चलते हैं सिटी की तरफ। पहले बीच देन सिटी। लोकल मार्केट यार हैपनिंग है यार, ये सारे कैफेज हैं। इसके पीछे था मेरा होटल यहाँ पे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था हमने द कॉफी क्लब। लोकल मार्केट काफ़ी हैपनिंग है, ये स्ट्रीट पूरा क्राउडेड है, कैफेज रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, बुकिंग सेंटर्स फ्लाइट वगैरह सब कुछ है। आपको अगर कहीं ट्रिप भी बुक करना है यहाँ से सब कुछ है। हाँ कुछ देखते हैं यहाँ पे सोवनियर्स वगैरह कुछ मिल जाए या कुछ। और ये बंदा अपने सरोजिनी नगर की तरह बेच रहा है कपड़े। पीछे स्टोर है, डिस्काउंटेड स्टोर है, $2-3 डॉलर में हर सामान, कैप, सन ग्लासेस, प्रॉपर सरोजिनी नगर ही है ये तो। You'll never pay full price again. Huge savings.
सब $2-3 ऐसे हैं ये सब। मैंने इन्फिनिटी के बारे में सुना है, काफ़ी अच्छा है यार, लेकिन इंडोर लाइटिंग वगैरह या 3D लाइटिंग वगैरह है अंदर, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अच्छी जगह है वैसे किसी और को आना है तो। इंडोर सुपर मार्केट है या मॉल कह लो, पीछे कैरेंस डाइनर है, यहाँ फ्री में जाओ, गालियाँ सुनो और खाना खाओ, यहाँ पीछे है। बाकी पूरा ये पूरा डिस्काउंटेड ही है, डिस्काउंटेड स्टोर्स भी हैं, इन्फिनिटी है पीछे उधर, कैफेज हैं, रेस्टोरेंट हैं, बार भी, आयरिश बार अभी दिखा था मेरे को पीछे। Together, all of us, wait for it.
अभी बॉलिंग करके निकला हूँ, बॉलिंग में बहुत मज़ा आया। ये पीछे वी आर एरिना है, यहाँ पे कई सारे वी आर गेम्स हैं। अभी जा रहा हूँ एक्स ट्राइंग में, ये मैं बहुत दिनों से करने का मन था। Yeah. Pistol grip, and you leave these open here, and you place your axe right. So as you're going to bring that over, you step forward like that. That's the movement. अगर आप गोल्ड को चाह रहे हो तो सर्फर्स पैराडाइज पे इनका सेंट्रल मॉल है, वहाँ पे आप एक्स फ्रॉम जरूर चेक करना, मैनी एक्स करके है। और एक दो और चीज़ें हैं, इन्फिनिटी है वो ज़रूर चेक करना, बहुत अच्छा था। उसके बाद शाम में अपना बीच पे जा सकते हो। मेरे हिसाब से जो है सफर्स पैराडाइज मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द बेस्ट बीच है। बहुत क्लीन वाटर है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लाइफ गार्ड्स भी हैं, अच्छा लगेगा।
लैंड हो गया हूँ। ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट की ट्रिप यहाँ ख़त्म होती है। दोनों सिटीज़ काफ़ी छोटी हैं इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न, पॉपुलेशन बहुत कम है। ब्रिस्बेन जो है वो काइंड ऑफ हिल स्टेशन है बट डेवलप बहुत ज़्यादा है। बाकी ये ब्लॉग मैं यही एंड करता हूँ, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।